हेलो, गुड मॉर्निंग. ओम नमो शिवाय. स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप्स ऑफ सम. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, देन फाइंड द नंबर्स. यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का सम दिया हुआ है हमें. उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट्स करना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है. तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे. सबसे पहले लेट्स करना पड़ेगा. लेट्स डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यहाँ दो नंबर की बात हो रही है. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, लेट्स फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड सेकेंड नंबर इज वाई. हियर एक्स ग्रेटर देन वाई, तभी डिफरेंट पता चलेगा. कोई नंबर बड़ा होना चाहिए दूसरे से. देन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, इक्वेशन 1 हो गया. एंड नाउ रीड अगेन. एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, देन फाइंड देम. वन नंबर इज 3 टाइम्स, तो बड़ा नंबर कौन सा है? एक्स. एक्स 3 टाइम्स है, किससे? वाई से. देन दोनों इक्वल कब होंगे? एक्स इज इक्वल्स टू 3y. ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया. क्लियर? नाउ लीनियर जनरल टर्म की तरह उसे रिप्रेजेंट करते हैं. एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 एंड एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0. क्लियर स्टूडेंट? एक्स माइनस वाई इज इक्वल 3y इज इक्वल्स टू 0. नाउ वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो एक्स इज इक्वल्स टू 3y. एक्स इज इक्वल्स टू 3y. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1. पुट एक्स इज इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1. ये हमारा स्टार इक्वेशन हो गया. देन एक्स की जगह पे 3y रखने से 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. देयरफॉर 2y इज इक्वल्स टू 26. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 13. y इज इक्वल्स टू 13. नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 13 इन स्टार इक्वेशन. इन स्टार इक्वेशन, अवर स्टार इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 3y. सो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 39. सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन xy इज इक्वल्स टू x 39 एंड y 30. फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकेंड नंबर इज 13. क्लियर? नाउ सेकेंड सम्स प्रॉब्लम. लुक एट हियर. द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज. लेटर सी बाय सी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज. फाइंड द कॉस्ट ऑफ each bat and ball. We can use elimination method. You can use any method. Clear, student? Let's cost of one bat is x rupees and cost of one ball is y rupees. The coach of cricket team buys 7 bat and 6 ball. That means 7x plus 6y is equals to they pay 3800 rupees. Equation 1. And they buy 3 bats and 5 balls. 3x plus 5y is equals to
दे पे 1750 रुपीज, इक्वेशन नंबर टू. वी कैन यूज एलिमिनेशन मेथड हियर, देन मेक एनी वेरिएबल इन एक्स एंड वाई आर इक्वल. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय फाइव एंड इक्वेशन टू बाय सिक्स. इक्वेशन वन को हम फाइव से मल्टीप्ल करेंगे, इक्वेशन टू को सिक्स से, जिसे फाइव सिक्स या थर्टी, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएंगे. इक्वेशन वन को हम फाइव से मल्टीपल करेंगे, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव एक्स प्लस थर्टी वाई इज इक्वल्स टू 3800 इंटू फाइव इज इक्वल्स टू 19000. एंड इक्वेशन टू को सिक्स से मल्टीप्लाई करना है, सिक्स थ्री जा 18x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 1750 को सिक्स से मल्टीपल करेंगे तब 10500. एंड सब्ट्रैक्ट 30y कैंसल, 35x माइनस 18x देन 17x लेफ्ट इज इक्वल्स टू 19000 माइनस 10500. 19000 माइनस 10500 देन 8500 लेफ्ट. देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 8500 डिवाइड बाय 17. देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 500. पुट एक्स इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन वन, एनी इक्वेशन इन इक्वेशन वन. सो 7 इंटू 500 3500 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800. देयरफॉर 6y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 3500, 300 लेफ्ट. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 50. सो कॉस्ट ऑफ बैट इज 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज 50 रुपीज. क्लियर स्टूडेंट? ओके, ओम नमः शिवाय. थैंक यू. हेलो, गुड मॉर्निंग. सेकेंड वन, लुक एट हियर. इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन. अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, इट्स बिकम वन हाफ. इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर, वॉट इज अ फ्रैक्शन. यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. प्रॉब्लम सॉल्विंग सम्स. तो फर्स्ट वी रीड केयरफुली एंड मेक ए लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर, लेट्स द फ्रैक्शन इज एक्स बाय वाई. फ्रैक्शन इज एक्स बाय वाई. इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर, इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर देन एक्स प्लस वन एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर वी हैव वाई, दैट्स वाई वाई माइनस वन. अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन. मेक इक्वेशन एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ डिवाइड में वाई माइनस वन है, ऑपोजिट साइड मल्टीप्लाई बाय वन होगा, दैट्स वाई वाई माइनस वन. सो एक्स यहाँ प्लस वाई आउटसाइड, माइनस वाई माइनस वन इनसाइड प्लस वन, वन प्लस वन दे बिकम टू इज इक्वल्स टू जीरो. इक्वेशन वन हो गया. रीड अगेन. इट बिकम वन हाफ इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर. इट्स बिकम वन हाफ इफ वी एड वन टू द डिनोमिनेटर. दैट मीन्स न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू वन हाफ. सॉल्व द इक्वेशन. 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x इंटू
is equals to 1 into y plus 1. Therefore, 2x plus y outside minus 1 minus 1 is equals to 0, equation number 2. Using equation 1 and 2, we use cross multiplication method and solve the equation. Clear? The x upon coordinate of y minus 1 constant term plus 2 minus 1 minus 1 is equals to minus y upon coordinate of x and constant term 1 2. Second equation ke liye 2 minus 1 is equals to 1 upon coordinate of x and y, coefficient of x and y. Yahan pe x ka coefficient 1, minus 1, 2 and minus 1. Clear student? So x upon 1, 1 jab 1 plus 1, as a formula minus sign we have 2, 1 jab minus 2 is equals to minus y upon minus 1 minus 2 to the 4 is equals to 1 upon minus 1 plus 2. Clear? X upon minus into minus, they become plus. 1 plus 2 is equals to 3 is equals to minus y upon minus 5. Minus minus cancel. 1 upon 2 minus 1 is equals to 1. So, clear? X by 3 is equals to 1 by 1 compared with constant term, and y by 5 is equals to 1 by 1. Therefore, x is equals to 3 and y is equals to 5. So, our fraction is x by y is equals to 3 by 5. Our answer. Clear? Okay. Om Namah Shivaya. Thank you.